हाँ तो ठीक है ना, तो जो कृतिका की बात चल रही थी तो कॉर्पोरेट उसके साथ वेलकम द सजेशन, उसी के ऊपर ये बना है कॉर्पोरेट नॉट इंडिविजुअल वेलकम सजेशन। आपकी अगेन वीडियो रुकी थी बिकॉज वाईफाई कनेक्ट था और नेट पे सारे मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो उससे जो हीट कर रहा था फोन तो वीडियो दोबारा रुक गई। तो वाईफाई और नेट बंद करके और आपका वीडियो बनाई जाएगी, ये आज गलती हो गई तभी वीडियो रुकी दो बार। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्लीज आज के लिए करिएगा। तीन वीडियोस में आपका लेक्चर आएगा आज का, चार टॉपिक है। तो ठीक है जी, सारी स्टोरी समझ आई। तो उसी के ऊपर हमने बनाया है कॉर्पोरेट नॉट इंडिविजुअल, कि कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट करो अपने वर्कर के साथ, उसको बोनस दो, उसको खुश रखो, क्योंकि तो हमें पता है कि वही है जो आज आपको रोटी दे रहा है। तो पढ़ते हैं, दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अंडरलाइन कर लेना कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। उसका नाम है कॉर्पोरेट नॉट इंडिविजुअलम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन द कॉर्पोरेट विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर वर्कर एंड मैनेजर। देखो बंदों की बात है, ग्रुप की बात नहीं है। वर्कर एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन, द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर इन कॉन्फिडेंस। पहले मैं आपको कॉन्फिडेंस में लूंगा अपने, कि आप लोग कहते हो ना पहले मुझे दोस्त बनाओ तब हम पढ़ेंगे, ये जरूरी है सर। ठीक है, बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क ऑफ देम बिकॉज द स्टैंडर्ड टास्क सेट अप द कंसल्टेशन ऑफ वर्कर देन वी ट्राई टू बेस्ट ऑफ अचीव। कि जब भी कोई नया डिसीजन कंपनी में लेना है सबसे पहले वर्कर्स को कंसल्ट करो, वर्कर्स को मिलो, वर्कर्स से बात करो, ताकि उनको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करना क्या कर रही है, ताकि उनकी हाँ में हाँ होगी तो वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। अगर आप उनसे बिना कुछ उनको डिसीजन टारगेट दे दो तो वो मन मार के काम करेंगे और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तरीके से काम नहीं होगा। तो कॉर्पोरेट नॉट इंडिविजुअलम कहता दे हैव कॉर्पोरेट मैनेजर, मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड दे शुड बी रिवॉर्ड ऑफ देयर सजेशन। आपको इसके बदले में क्या मिलना चाहिए? रिवॉर्ड मिलना चाहिए अगर आपने कंपनी को अच्छा एक सजेशन दिया है। ऑल द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। उनको कभी भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए, वही डिमांड करो जो रीजनेबल, वो अनरीजनेबल डिमांड मत करो कभी। देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, जो मैं ट्यूशन में तुमसे कहता हूँ कि मेरे से ओपन रहो, बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम रखो, कोई बात नहीं, कोई घबराना नहीं है, जितनी मर्जी 10 बार 50 बार 1000 बार पूछो, हम आपके साथ बिल्कुल रेडी है। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड पूरा पढ़ना है वर्ड्स के साथ, इसकी केस स्टडी जरूर रीड करनी है, हम बढ़ाएंगे दोबारा जो केस स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में ग्रुप ग्रुप होने चाहिए, जो एक दूसरे से बात करेंगे, वर्कर ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, मेंटल रेवोल्यूशन एक दूसरे के बारे में सोचना है। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल में मैनेजमेंट नहीं आएगा, ग्रुप नहीं आएगा, कल्ला कल्ला वर्कर और मैनेजर कि एक दूसरे से कॉपरेट करें, सुजेशंस वेलकम द सुजेशंस के वेलकम करें, उन सुजेशंस का वेलकम करें। एंड देन लास्ट द वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ब्रैकेट में उसका निचोड़ लिख दिया ट्रेनिंग, कि अपने वर्कर्स को ये कि बंदा ना जन्म से सीख के नहीं आता। जब तुम क्लास प्लस वन में मेरे पास ट्यूशन आए थे बच्चे, तो मैंने क्या पहले दिन तुम्हें ये कह दिया, लो बेटा एसेट लाइबिलिटी लिख के दिखाओ मुझे, बैलेंस शीट बना के दिखाओ मुझे, जर्नल का फॉर्मेट बना के दिखाओ मुझे। नहीं, हर कोई बंदा जन्म से सीख के नहीं आता, उसको सिखाना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी ग्रो करे, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ट्यूशन ग्रो करे, तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ट्रेंड नहीं कर पाया तो मेरा काम नहीं चलेगा। रिजल्ट अच्छा जब रहेगा जब मैं आपको ट्रेंड करूंगा, तभी कहता हूं 75 नंबर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तभी हम बात करते हैं पढ़ो पढ़ो। तो क्या टेलर ने स्पेशली बात की है कि अपने वर्कर्स को ऐसे काम मत थोप दो, का सारा काम नहीं, उसको काम कराने से पहले उस टेक्निक के बारे में बताओ, उसको ट्रेनिंग दो, ताकि कल को जब आपकी कंपनी में काम करने आए बढ़िया अचीवमेंट एफिशिएंसी के साथ अपना काम कर सके। ये करना चाहिए उसके साथ। तो लिखता है आसान तो है बहुत, इसमें कुछ खास इतने वर्ड्स हैं नहीं। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, सही बात है, मेरी
एफिशिएंसी तुम पे डिपेंड करती है बच्चों, अगर तुम अच्छा काम करो तो मेरा नाम हो जाएगा, और तुम्हें अच्छा काम करवाने के लिए मुझे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है, पढ़ाता हूँ। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। टेलर इंसिस्ट ड्यू टू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉइज एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द मस्ट गिवन टू अकॉर्डिंग द जॉब क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉइज मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग टू टाइम टाइम अपडेट देयर नॉलेज। कि जब आपने बंदे को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद उस बंदे को टाइम टू टाइम अपडेट करो, नॉलेज करो। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। बंदा रजिस्टर में काम करता जितना रजिस्टर का काम था, लेकिन अब कंप्यूटर का काम आ गया तो सारा उसको कंप्यूटर सिखाओ, ट्रेंड करो कंप्यूटर के लिए, ट्रेंड करो मशीनों, कंप्यूटराइज मशीनों के लिए ट्रेंड करो, ताकि कल आपकी कंपनी में बढ़िया एफिशिएंट तरीके से क्या चल सके, काम चल सके। आगे लिखता भी है, एंड दिस विल इंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। आप भी बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे तो आपको ट्रेंड करूंगा तो इससे मुझे भी फायदा है, आप अच्छे ट्रेंड होकर अच्छे नंबर आएंगे, भैया के पास पढ़ते थे भैया ने पढ़ाया हमें तो बस भैया का नाम भी बनेगा, आपका नाम भी बनेगा। चारों के चारों प्रिंसिपल्स टिप टॉप तैयार होने चाहिए। एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडी विंसलो टेलर, बैकग्राउंड हमने पढ़ी थी उसकी, कि उसका बर्थ कब हुआ था, उसका बर्थ 1856 में और था, फिर मिडवेल स्टील कंपनी में लगा वो, उसने साइंटिफिक ट्रिकों को यूज किया, वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल दिया कि भाई जो काम का साथ जिस तरीके से हो रहा है जरूरी नहीं कि वैसे ही होगा। अब क्या करना पड़ेगा, गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ेगा अपने आप, डायनामिक एनवायरमेंट अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा आपको। एंड नंबर टू था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दोनों ग्रुप, वर्कर ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, जब दोनों म्यूचुअल कॉन्फिडेंस रखेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, मेंटल रेगुलेशन वर्ड आएगा कि एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, कॉपरेट करें, वर्कर कॉपरेट करें मैनेजर्स के साथ, मैनेजर कॉपरेट करें वर्कर के साथ, भी अननेसेसरी स्ट्राइक नहीं, अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी है, ठीक है, सजेशंस का वेलकम करना है, और जब बंदा कंपनी में आ जाता है उसको टाइम टाइम पे करना है, ट्रेंड करना है, एफिशिएंसी तरीके से ट्रेंड करना है। तो टाइम हुआ 12:35, आपका ये टॉपिक खत्म। प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं विंसलो टेलर के बैकग्राउंड के साथ, अगर आपको आज ये पता होगा ताकि हम कल आगे चल सके। और अब अगला लेक्चर जो होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा, चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनी, मनी का टॉपिक पढ़ाऊंगा, बार्टर सिस्टम, बहुत कथा, बहुत स्टोरी, सिंपल सा बिल्कुल पानी की तरह पढ़ाएंगे, बहुत ईजी चैप्टर होगा, वो चैप्टर को हम स्टार्ट करें। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर हमने खत्म कर लिया, 3-4 दिन में हम कर देंगे, ठीक है जी, ख्याल रखें, थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं।